जय हिंद दोस्तों, ये चोपड़ा डेयरी राहों नवा शहर पंजाब में है। अजय चोपड़ा बहुत नाम है इनका। हमसे जुड़े हैं सबसे पुराने, सबसे पहले ये जुड़े थे। बहुत काम इन्होंने किया है, जितना ज्ञान इन्होंने बांटा है। हमारा काम पशु दिखाना और ज्ञान बांट रहा है। हम ये लोग हमको बेशक चाहे अपने फायदे के लिए बुलाते हैं, लेकिन हम अपनी एक मंतव्य लेके चलते हैं कि आप लोगों को जो ये माहिर लोग हैं इनसे ज्ञान जो है लेकर के आप तक पहुंचाना है। आप भी समझा करो, देखा करो कि किसने गाय किस भाव में बेची है, क्या डिफरेंस है, और उस बात को समझो। कुछ नए लोग हैं जिनको कुछ मालूम नहीं है, वो कमेंट करना बहुत बहादुरी समझते हैं। कमेंट तो एक नुक्ताचीनी होती है, कमेंट टीका टिप्पणी, और टीका टिप्पणी सिर्फ विद्वान ही कर सकते हैं, आम आदमी नहीं कर सकता है। और ये महंगी सस्ती वाली बातें छोड़ो, देखो कि उसमें क्या डिफरेंस है, क्यों रेट ज्यादा है, क्यों कम है, यहां दिमाग लगाओ अपना। और ये इस काम में आओ तो ट्रेनिंग करके आओ, बिना इस काम में मत आना। और ऑनलाइन मत खरीदना, साथ में एजेंट मत लाओ, ये सब भारी पड़ते हैं। नमस्कार नमस्कार जी। अजय चोपड़ा, हाँ जी, बहुत आभारी हैं हम आपके। हमारी संस्था के सदस्य बन के आपने हाँ जी, बहुत ज्ञान बांटा है, अपना व्यापार भी खूब बढ़ाया है, हाँ जी, बिल्कुल। लूटा भी है लोगों को। नहीं लूटा क्यों है, दिया है चीज, दिया है अच्छी चीज दिया है, तभी कस्टमर आ रहे हैं, वापिस आ रहे हैं, वही जो लेके गए हैं वही दोबारा आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। रोजाना दो तीन गाड़ी लाते हो? नहीं दो तीन तो नहीं जी, अभी थोड़ा कम है क्योंकि माल ही मतलब लिमिटेड मिल रहा है। तुम बाजार में जहां मर्जी चले जाओ उससे पूछो कि भाई क्या हाल है, वो कहेगा बहुत मंदा है। कभी भी हमने किसी को कहते आज तक नहीं सुना है, वही काम तुम्हारा है। दो तीन गाड़ी रोजाना लाते हो, संस्था को दान देने के नाम से भाग लेते हो। नहीं, पहले क्या होता था, व्यापारी लोगों को ज्यादा माल जाता था जो वहां पे रीसेल करते थे। अभी थोड़ा माल महंगा होने की वजह से तो हम डायरेक्ट सिर्फ फार्मर्स को ही माल दे रहे हैं। नमस्कार, क्या नमस्कार, नाम है आपका? नैनेश्वर शिवाजी फोमरे महाराष्ट्र से हो? जी, कौन से जिले से? अच्छा, संभाजीनगर जिला, पंजाब। बड़ा महान जिला है। कितना पढ़े हो? मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मास्टर हुआ है। मास्टर्स की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? कब से उस काम में? लगभग 2.5 साल हो गए। जॉब करते हो कोई? नहीं, मैंने घर वालों को पहले से बता दिया था जॉब मेरे से होंगी नहीं, मेरी उसमें रुचि नहीं है, मन वो नहीं इतना लगा। पैसा खर्च दिया फिर वहां पे बिजली लेने में कितना खर्चा आ गया? वो तो गवर्नमेंट से किया तो थोड़ा कम आया है, लेकिन तो खर्चा तो आया है। कितने साल का था? वो 11वीं के बाद 12वीं के बाद 5 साल जाता है। अच्छा, अपनी जिंदगी के 5 साल तुमने ये ज्ञान लेने में अर्जित करने का दिए। तो वो ज्ञान तो ज्ञान कितने होता है। पशु अभी रखते हो? मेरे पास घर पे 10-12 पशु है। कितना दूध होता है? अभी 100-150। खेती कितनी है? 10 एकड़ खेती है जी। कितने कमा लेते हो? ओ, कमाने का क्या है, 40% एक गाय के पशु पे खर्चा जाता है, 60% मुनाफा रहता है। अच्छा, तुमको बाहर भेजे अमेरिका क्यों? काम करने के लिए? ओ, जिसमें मेरा मन नहीं लगता वो लाख दे दे, मेनू नहीं पा। बहुत बढ़िया, बहुत ये अच्छा। देख लो जी, ये यूथ है जो बाहर का भी छोड़ के अपनी मतलब नौकरी करने से अच्छा खुद स्वरोजगार करने पे अच्छा मतलब वो रखते हैं तुम लोगों की देन है ये गाय जो है, तो जी। कितने की बेची है ये? ये 2,85,000 की 3 दी हैं, 285 की ब्रीड? ब्रीड प्योर है, तीनों बहुत अच्छी हैं क्वालिटी में, और इसको बताने की भी इसलिए जरूरत नहीं, ये 10 महीने पहले ही लेके गए हैं हमसे एक गाड़ी माल। कितनी बार आ चुके हैं इस बार? हाँ, ये दूसरी बार है। अच्छा, तो आप गाड़ी के साथ जाओगे? हाँ, पहली बार पहले तो भी गया गए था। थे। ये कब तक भी आने वाली है तीनों? ये महीना महीना कच्ची है। दो गायें, एक एक महीना कच्ची, एक 1.5 महीना कच्ची है। अच्छा, तो कितना दूध देंगी? दूध नॉर्मल देखो जी, ये होलस्टीन फ्रीजियन गायें हैं जो, हाँ, ये अगर बोलने को कोई बोल दे 40 लीटर भी देगी, पर हमने 30 से 35 लीटर बोल के दिया कि इतना नॉर्मल ये तीस देगी, लीटर दे देंगी, आराम से देंगी मानते हो? हमारे उधर 27-28, 25+ चली बहुत है, बस। अच्छा, हम ये मान के चले हैं। तो सीमन का कैसे करते हो वहां पे? हम पहले तो नॉर्मल लगाते थे, हाँ, लेकिन अभी अभी हम
जानकारी इकट्ठी कर रहे, अब थोड़ा थोड़ा हम भी ग्रोथ कर रहे, अच्छा सीमन लगा रहे, सेक्सीड लगा रहे। कितने पशु रखने का इरादा है? वो इरादा तो बड़ा डेयरी फार्म करने का है, लेकिन अभी तो शुरुआत है, तो एक 30-1 पशु का है। कौन सी ब्यांत कह रहे हैं? दोनों सेकंड टाइमर है जी, बट नया बंदा कोई भी देख के इसको फर्स्ट टाइमर ही बोलेगा। दोनों चार चार दांत है बच्चे। पहले में कितना? दोनों चार चार दोनों चार चार दांत है। कितना दिया पहली बार में? पहले में ये फार्म से खरीदी हुई है, जो फार्म पे जाके उनका पूरा डिटेल लेके, सीमेंट डिटेल लेके इन्होंने खुद परचेज करी है। जैसे 30 एक गाय का फार्म था, तो उनमें हमने छोड़ दिया था इनको कि जो आपको अच्छी लगे वो ले लो। अच्छा, ये नहीं, एक तो होता है कि फार्मर बोल दे कि हमको ये निकालनी है, आप ये ले लो। ये सामने बैठे हैं, इनको खुला छोड़ दिया था, बछड़ी भी है, गायें भी है, हीफर भी है, तुमको जो अच्छी लगती है वो कर लो, उसका सौदा हो जाएगा। जो इन्होंने फिर सिलेक्शन किया, फिर उसका थन सड चेक किया, फिर उसके बाद सौदा करके ये दोनों फाइनलाइज किए। ये मेनली जो पहले गायें थी उनसे ब्रीड में बहुत आगे हैं। दूध नॉर्मल फार्मर के हिसाब से तो इस बार 40 लीटर देंगी, पर ये इनको 30-35 दे दे तो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि सीमन अच्छे लगे हुए हैं, बच्चे लेने के लिए गायें बहुत अच्छी है। आगे दाम ये 2,05,000 का जोड़ा लिए, 2,05,000 का जोड़ा सिर्फ बच्चियां ब्रीडिंग के लिए। मतलब लुधियाना वीसी साहब के पास बैठे हुए थे। हाँ जी। तो उन्होंने कहा कि आप सब जगह गए, तो क्या देखा आपने नया? हाँ जी, तो बताओ क्या देखा जरा। मैं तो मेन तो देखिए, आप मतलब महाराष्ट्र का ही एग्जांपल दे दूं, कोई महाराष्ट्र कश्मीर जहाँ पे मतलब यूथ तो काफी है और अनएम्प्लॉयड यूथ है, तो अगर काम नहीं मिलता तो अगला मेनली जो यूथ का फोकस ही है। जैसे यही एग्जांपल मेरे सामने बैठी है कि किसी की नौकरी करने से अच्छा है अगर आप एजुकेटेड भी हैं तो खुद का बिजनेस अगर कोई भी है, तो ये डेयरी फार्मिंग है, लोग इसको गाय भैंस का धंधा मतलब कहते हैं कि ये गाय भैंस का धंधा है, पर जो करते हैं उनको ये मालूम है। अगर इन्होंने बताया कि 40% खर्चा है, 60% मुनाफा है, इन्होंने एक 10 महीने पहले एक्सपीरियंस किया जो हमसे गाय लेके गए थे, उसमें 40% खिलाया, 60% बचाया, और जो बचाए हुए पैसे उनसे फिर दोबारा गायें खरीदने की हिम्मत करी। तो ये इनका एक परफेक्ट एग्जांपल है कि अगर हम बिजनेस को बढ़ाना चाहें तो ये हम साल दो साल में इसको डबल पर ले जा सकते हैं, पर अगर कोई काम करने का इच्छुक है, जिसको शौक है, अगर किसी को गायें भैंस रखने का शौक नहीं है या पालने की किसी को नॉलेज नहीं है, तो वो पहले नॉलेज ले फिर काम शुरू करे, बिना नॉलेज के काम किया तो बिल्कुल जीरो है। दोनों कितनी उम्र की हैं? दो दांत में बच्ची है ये। दो दांत में कितना समय मांग रहे हैं? ये 7 महीने की प्रेग्नेंट है। 7 महीने की। दूध? दूध नॉर्मल फर्स्ट टाइमर में 25+ चलेगी। तुम लोग कैसे परख लेते हो? देखिए, जो अभी दो दांत में मतलब 2 साल की बच्ची 4.5 फीट से ऊपर हाइट कर गई, उसकी फेस क्वालिटी और कलर जजमेंट से पता चल जाता है कि वो दूध कितना देगी। बाकी इनकी फीडिंग के ऊपर भी है। ये मेरे से मतलब 10 महीने पहले हीफर लेके जा चुके हैं, तो इनको भी अनुभव है कि फर्स्ट टाइमर में हीफर हमारी कितना दूध देती है। वैक्सीन हुई? हाँ, वैक्सीनेशन हुई है, इनका पूरा टैग लगे हुए हैं कान में, सारा रिकॉर्ड है। अब ये वहां जाएंगे? हाँ जी। तो ये शिकायत तो नहीं है कि खाली है? नहीं, खाली नहीं हो तो हम जो बाहर से भी गाय खरीदी है, इनके मन में डाउट था कि ये कैसे है, प्रेग्नेंट होगी या नहीं होगी। हाँ। तो यहाँ भी डॉक्टर एक बार चेक करके हाथ डाल के फिर देते हैं। तुम्हारा है तो उससे कुछ भी कर लो। नहीं नहीं, फार्मर ने 7 महीने की बोला था, वो 6 की निकली, हमने 6 ही बताया। जब फार्म पे तुम लेके जाते हो तो वो उसने अपना जो है कंडम वाल निकालना होता है, तुमको इशारा कर देता है कि निकलवा दो? नहीं नहीं, पूरा फार्म था इनके सामने, उन्होंने ये नहीं बोला कि आप ये मतलब ये ले लो, मैंने बोला जो आपको अच्छी लगती वो ले लो। क्या नाम बताया आपने? ज्ञानेश्वर। बचपन से लेके एजुकेशन के एंड तक किस अध्यापक को आपने मान सम्मान से ज्यादा देखा? नाम बताओ उनका, जो सबसे ज्यादा तुमको बढ़िया आदर्श लगे। वो हमारे गणित के टीचर थे। क्या नाम था उनका? मैडम थी वो। हाँ। तांबे मैडम। क्या नाम था? मिस तांबे। अच्छा, बहुत प्यार करते थे। पिटाई करते थे? पिटाई तो नहीं होती थी, लेकिन उन्होंने हमारा एक अलग डायरेक्शन पे लेके छोड़ा है हमको ग्रेजुएशन के टाइम पे। उससे पहले भी थे हम, लेकिन अलगड़पन जो था ना वो थोड़ा ज्यादा था, और ग्रेजुएशन के टाइम पे थोड़ा मैच्योर हो गए, और थोड़ी सी जो दोस्तों की मेहरबानी, दोस्त भी अच्छे मिल गए,
जिंदगी में एक सोचू, दोस्त अगर अच्छे मिल जाए तो आदमी कैसे भी हो, जो जैसे जिसके दोस्त होंगे वो ऐसा बनने का। थैंक्स करो मैडम का जरा फिर। थैंक यू मैडम, आपकी मेहरबानी, जो आपने प्यार दिया वो सदा मन में रहेगा। ये अगला जोड़ा आ गया, कितने का बेचा ये? ये दोनों जोड़ा ही बेचा, वैसे 2 लाख का जोड़ा। पैसे ज्यादा लिए है, इतने का नहीं है। जो एक गाय अकेली है ना, यू अकेली 1.5 लाख में दे रहा था फार्मर। कौन सी? ये वाली बड़ी वाली मोटी वाली गाय। दोनों 1.5 लाख की है। एक अकेली 1.5 लाख की दे रहा था तो दूसरा साथ में जोड़ा मिला के इसलिए 2 लाख में लिया। अच्छा चलो, पहले पहले हम तुम्हारे आदर्श कौन है अध्यापक? आदर्श अध्यापक में देखो जी, चले जाओ, अगर मैं लाइन पे बात करूं तो मेरे फादर ही मेरे अध्यापक हैं जिनसे मैंने सीखा है। नहीं, लाइन से हट बिजनेस में, लाइन में हट के अगर एजुकेशन में जाऊं तो मेरे फिजिक्स के जो टीचर रहे हैं, जैसे मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में किया है डिग्री, मेरे फिजिक्स के टीचर थे सुरेंद्र अग्निहोत्री, वो नवाशहर के, इस टाइम वो DA ऑफिस में इंचार्ज हैं, इस टाइम पे हेड हो गए, हेड ऑफ डिपार्टमेंट HOD। तो पहले जिस टाइम हम पढ़ते थे उस टाइम पे संस्कार करते थे उनका। बिल्कुल बिल्कुल, उनका ये है कि वही जो इन्होंने बताया कि एक मतलब कोई मोटिवेशन आपको ऐसी कोई मतलब दे देता है कोई बात सुन के, कि मतलब पहले ऐसा नहीं था मेरा भी ट्रैक एजुकेशन की तरफ या फिर मतलब इतना सीरियस स्टडीज को लेके भी, पर उन्होंने कुछ उनकी कुछ बातें कुछ जो टच कर गई कि हाँ भी मतलब तुम्हारी फैमिली इतना एफर्ट करती है कि किसी किसी की फैमिली सपोर्ट भी नहीं कर पाती फिर भी लोग मतलब उठते हैं उस लेवल पे, तुम्हारी फैमिली सपोर्ट कर रही है तो तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम अपने अगर स्टडी लाइन में नहीं जाना चाहते तो अपनी लाइन में जाके भी तुम कुछ ऐसा कर जाओ कि तुम्हारी फैमिली को तुम पे प्राउड हो। तो उनके जो वर्ड्स थे वो आज काम आ रहे हैं मेरे, और उनको प्रणाम कर लें। बिल्कुल बिल्कुल, नमस्कार। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई, किसी तरह की खाद सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं, जब बिक्री करते हैं, तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।